अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अकाउंट का पीरियड है, स्टैंडर्ड 12, चैप्टर नंबर 3, आखिरी में मूल्यांकन। दाखिला नंबर 11, 10 तक के दाखिले हमने किए थे, उसके अंदर हमने भारित सरेराज, सरेराज पद्धति, भारित सरेराज पद्धति, उसके बाद हमने अधिक नफानी पद्धति और मूडीकृत करवानी पद्धति, ये चार पद्धति, ये चार तकनीक के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद के आखिरी जो दो दाखिले हैं वो हम लोग दोनों पद्धति के हिसाब से करेंगे। प्रभाग दाखिला नंबर 11 एक्सरसाइज में 11वां दाखिला। प्रभा अने प्रभु ने भागीदारी पेढ़ी पाकड़ी की किमत अधिक नफा ने मूलीकृत करने पद्धति अनुसार नक्की करो। रोका एवं मूली अपेक्षित वर्तर का दर 12%। मैंने आप लोगों को कोष्टक याद करने के लिए बोला था, छेल्ला 5 वर्ष में नफो अभी यहाँ पर हमको दाखिले में दिया हुआ है अधिक नफा ने मूलीकृत करवाने पद्धति अनुसार दाखिलो गणो। अधिक नफे को मूलीकृत करना है, इसके लिए हम भारी सरेराज नफे का, भारी सरेराज पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। भारी सरेराज पद्धति का इस्तेमाल करने के बाद मूलीकृत करने की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, कोष्ठक बनाएंगे हम लोग। पहले नंबर पे रुकाएंगे मूड़ी, रुकाएंगे मूड़ी दी हुई है 9,00,000 रुपये। उसके बाद भी अपेक्षित वर्तन में दर अपेक्षित वर्तन का दर दिया हुआ है 12%। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारित सरेराज नफा, तीसरा नंबर अपेक्षित नफा, रोकाई मूड़ी और अपेक्षित वर्तन का दर। तो यहाँ पर रुकाई मूल्य की कीमत हम डायरेक्ट लिखेंगे 9,00,000 और उसका 12%। तो अपेक्षित नफा कितना मिलेगा, 12,108, 1,08,000। चौथा नंबर सरेराज नफा ढूंढना है, भारित सरेराज पद्धति के हिसाब से सरेराज नफा ढूंढेंगे। यहाँ पर इसको भार देंगे 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,80,000। भारित सर तो हम यहाँ पर भारी सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढेंगे। पहले हम बुक में चेक कर लेंगे यहाँ पर कौन सी पद्धति से नफा ढूंढना है, ताकि हमको नफा ढूंढने में आसानी रहे, सरेराज नफा ढूंढने में आसानी रहे। प्रभा ने प्रभु ने भागीदारी पेढ़ी ली पाकड़ी की कीमत अधिक नफा ने मूलीकृत करवानी पद्धति अनुसार नक्की करो। रुकायली मूड़ी 9,00,000, अपेक्षित वर्तन दर 12%, छेल्ला 5 वर्ष नफो।
तो यहाँ पर कहीं भी भारित सरेराज पद्धति का जिक्र नहीं है। तो अब हम लोग भारित सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा नहीं ढूंढेंगे, हम डायरेक्ट सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढेंगे। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी भारित सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढने का जिक्र किया हुआ हो, वहीं पर भारित सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढना है। अगर यहाँ पर भारित सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढने को नहीं बोला है, सरेराज पद्धति के हिसाब से हम नफा ढूंढेंगे 2, 3, 4, 5 कितने साल का है, 7/5 140,000 इसका नफा आया है, 140,000। अब हमको अधिक नफा ढूंढना है और उसके बाद हम ढूंढेंगे पापड़ी। अधिक नफा ढूंढने के लिए सरेराज नफा जितना आया है उसमें से भारित अपेक्षित नफा माइनस करेंगे 108,000। तो जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो अधिक नफा कितना आएगा, 32,000। लास्ट है पागड़ी। हमको यहाँ पर पागड़ी ढूंढनी है। पागड़ी ढूंढने का जाप्ता है अधिक नफे के तकसीम में वर्तर का दर 100। अधिक नफा 32,000 के तकसीम में वर्तर का दर दिया हुआ है 12%, 100 24 से कट होगा, 32,000 जर 100 भाग्या 12 2,64,667। यहाँ पर पागड़ी की कीमत आई 2,64,667। मूढ़ीकृत करने की पद्धति के हिसाब से हमको पागड़ी ढूंढनी है। अधिक नफे को मूढ़ीकृत करने की पद्धति के हिसाब से हमको पागड़ी ढूंढनी है। सबसे पहले रुकाई मूड़ी, उसके बाद अपेक्षित वर्तर का दर, उसके बाद अपेक्षित नफा। तो नफा आया 108,000, सरेराज नफा आया 140,000, अधिक नफा आया 32,000। तो उसके बाद पागड़ी का जाप्ता है अधिक नफे के तकसीम में वर्तर का दर 100। अब यहाँ पर हमको पागड़ी की कीमत मिल गई है। सरेराज नफा की पद्धति से, सरेराज नफे की पद्धति से नफा इसके ढूंढा है क्योंकि दाखिले में कहीं भी जिक्र नहीं है कि भारित सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढो। तो जब वहाँ पे जिक्र नहीं होता तो हम सरेराज पद्धति के हिसाब से नफा ढूंढेंगे। अब हम लोग आखिरी दाखिले की तरफ जा रहे हैं, दाखिला नंबर 12। इसके बाद हमारा चैप्टर जो खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाबों से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को मेरे साथ कोऑपरेट करना है। दाखला नंबर 12, राजेशन हरीश एक भागीदारी पेढ़ी भागीदार है। तेवनी भागीदारी पेढ़ी नफा तथा अन्य माहिती आधार है। भागीदारी पेढ़ी ने पागड़ी की कीमत अधिक नफा ने ये वर्ष की खरीदी ने आधार नक्की करो। रोकाई मूड़ी 8,00,000, अपेक्षित वर्तर दर 12%, 5% नफो, 14-15 1,20,000, 15-16 90,000, 16-17 150,000। तो यहाँ पर हमको अधिक नफे की पद्धति से दाखिला गिनना है। अधिक नफे की पद्धति से दाखिला गिनना है, एक और बार दाखिला रहा है रिवाइज कर लेंगे। अब जो आखिरी दाखिला है, डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चन की बनाने वाली हूँ। इस तरह के दाखिले की आपको घर पर भी प्रैक्टिस करते रहना है। रुकाई भी मूली 8,00,000, अपेक्षित वर्तर दर 12%, 8,00,000 के 12%, 12×6,000।
होगा 2,10,000, 2,10,000 और 3,50,000, 1,50,000 होगा 3,60,000, सरेराज नफे का टोटल होगा 3,60,000। ये तकसीम में 3 साल का नफा है तो 3 × 12 × 36 यानी 1,20,000 आ गया सरेराज नफा। अब यहाँ पर हमको ढूंढना है अधिक नफा। अधिक नफा ढूंढने के बाद हम ढूंढेंगे पापड़ी। अधिक नफा बराबर सरेराज नफा कितना है हमारा 1,20,000 माइनस 96,000 तो आएगा अधिक नफा 24,000। अब यहाँ पर ढूंढनी है पापड़ी। अधिक नफे की 2 साल की खरीदी के आधार से हमको पागड़ी ढूंढनी है। रकम में क्या दिया हुआ है माहिती ने आधारे भागीदारी पेढ़ी की पागड़ी की कीमत अधिक नफा ने 2 वर्ष की खरीदी ने आधारे नक्की करो। अधिक नफा हमारा अधिक नफा है कितना है 24,000। उसकी 2 साल की खरीदी, उसकी 2 साल की खरीदी के आधार से नक्की करना है यानी 48,000 की पागड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब। वार्षिक हिसाब के बारे में मैंने भागीदारी पेढ़ी पार्टनरशिप के बारे में चैप्टर नंबर 1 में आपको कुछ नॉलेज मिला था वार्षिक हिसाब। अब यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है। सेकंड चैप्टर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इंस्ट्रक्शन आपको मैं दे रही हूँ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको पहले मैं रिवाइज करा दूं। 11 स्टैंडर्ड में हमने सीखे थे चैप्टर वार्षिक हिसाब। एक व्यक्ति मालिकी के वार्षिक हिसाब यानी एक इंसान जब हिसाब किताब बनाता है धंधे के साल की आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन होता है 31/3/2017, 2018, 2019, 2020 कोई भी साल हो। अब ये साल का आखिरी दिन वार्षिक हिसाब हिसाब किताब का आखिरी दिन इस साल का क्या होगा 31/3/2020। तो यहाँ पर हमारा जो वार्षिक हिसाब होता है वो 31 मार्च को बनता है। तो पहले चैप्टर, पहले 11 स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर सीखा था 5th चैप्टर वार्षिक हिसाब, जिसके अंदर आपने 3 खाते बनाना सीखा था, व्यापार खाता, नफा नुकसान खाता और पाका सर्वैया। तो यहाँ पर उसके बाद हमने 12th स्टैंडर्ड में 1st चैप्टर सीखा था जिसके अंदर हमने नफा नुकसान तकसीम में खाता बनाना सीखा और पूंजी खाता बनाना सीखा, चालू खाता बनाना सीखा। ये खाते बनाने हम क्यों सीखे थे? ये खाते बनाने हम इसलिए सीखे थे क्योंकि इससे पहले जो 11th स्टैंडर्ड में किया वो सिर्फ एक इंसान था जो खाते बना रहा था, जो हिसाब किताब कर रहा था। उसके बाद धंधे में जब पार्टनर्स आते हैं, धंधा जब बड़ा होता है तो पार्टनर्स या तो फिर कोई ज़्यादा पैमाने पर धंधा शुरू करता है, कारोबार शुरू करता है तो दो से ज़्यादा 50 करके पार्टनर्स धंधे में ऐड होते हैं और सब मिलके धंधा कारोबार खड़ा करते हैं। तो उस वक्त सबके पैसे, सबकी पूंजी धंधे में आती है, सबका नफा तकसीम होता है, नुकसान तकसीम होता है, धंधे में से उपाड़ करते हैं। ये सबका हिसाब किताब करने के लिए पूंजी पर सूद, उपाड़ पर सूद, कमीशन, पगार, ये सबका हिसाब किताब करने के लिए क्या किया जाता है? ये सबका हिसाब किताब करने के लिए नफा नुकसान तकसीमी खाता और पूंजी खाता बनाया जाता है। तो अब जो हम लोग चैप्टर सीखेंगे उसके अंदर वार्षिक हिसाब वो सारे खातों का होगा। जैसे कि कोई एक रकम होगी उस पर से हमको देखना है, हमको व्यापार खाता बनाना है और एक खाता बनेगा नफा नुकसान खाता, ये कारोबार के लिए होता है। उसके बाद एक खाता बनेगा नफा नुकसान तकसीमी खाता, ये पार्टनर्स के लिए होता है। उसके बाद होगा पूंजी खाता या तो फिर पूंजी खाते के साथ चालू खाता भी होगा। अगर चालू खाते की बाकी दी हुई हो तो चालू खाता भी बनेगा और उसके बाद लास्ट में बनेगा पाका सर्वैया। इस तरह के खाते अब वार्षिक हिसाब में बनेंगे। जो चैप्टर के पीछे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस चैप्टर में आपको बहुत कंसंट्रेट करना है, वो इसलिए क्योंकि बोर्ड में ये एक चैप्टर का दाखिला 11 मार्क का आता है। और एक बात, आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको इसी चैप्टर के सारे दाखिले आते जाएंगे तो इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है। तो नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।